when any patient approach to a physician, हमारे पास patient आया, अब थोड़ा practical भी है थोड़ा theoretical भी है, हाँ जी, तो फिर क्या हुआ, let us take one example, हमारे पास एक patient आया, आप doctor हो गए, degree मिल गई और डिस्पेंसरी में बैठे काम करने लगे, हाउ आर कॉमन फिजिशियन अप्रोच इट अ केस ऑफ यूटीआई, यूटीआई का केस है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, तो आम बंदा कैसे देखेगा, एलोपैथ कैसे देखेगा, अ कॉमन फिजिशियन विल कंसिडर सिम्टम्स रिलेटेड टू डिजीज, जैसे हमने सुबह बात किया, कंसिडरिंग ऑल द कॉमन सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, जैसे हमने सुबह कान की एग्जाम्पल ली, तो यूटीआई है तो क्या करेंगे, हम यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे, सुबह मैंने बताया आपको पीएचएस का हाई होगा, ब्लड सेल्स हो सकते हैं, एपिथेलियल कास्ट हो सकती है, पस सेल्स हो सकते हैं, तो ये एग्जामिन करेगा और उसके साथ बुखार होगा तो उसके लिए जो भी होगा उसका जो भी उनका प्रोटोकॉल, कंसिडरिंग ऑल द कॉमन सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, बर्निंग इन यूरिन, यूरिनरी ट्रैक्ट, इनइफेक्चुअल अर्ज ऑफ यूरिन, ये सब कॉमन सिम्टम है पेशाब के, पेन इन द पेल्विक एरिया, फीवर, तो आगे कंप्लेंट्स, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, ये आम फिजिशियन का जो अप्रोच है वो है, और हमने हमारा अप्रोच देखना वो कैसा है, तो आम फिजिशियन के पास यूटीआई का केस जाएगा तो कॉमन सिम्टम है, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन है, यूरिन कल्चर है, एंड यूरिन कल्चर विल बी डन फॉर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, सम कॉम्प्लेक्सेस फॉर एनर्जी विल बी गिवन फॉर लीव, दिस इज डिजीज इन मैन सिंपली, तो ये बंदा बीमार है, ये बंदे में बीमारी, राइट, नेक्स्ट, हाउ आर होम्योपैथिक फिजिशियन विल इंटरप्रेट एंड प्रिस्क्राइब, मोर ओवर वाई होम्योपैथिक, आपके पास आएगा ही क्यों, मेरे क्वेश्चन मार्क रहते खुद के लिए, पहले मेरे पास आया क्यों ये, पहले इसको एलोपैथ के पास जाना चाहिए था, नहीं ठीक होता तो आता, एक जब आपके पास आएगा तो क्रॉनिक हो चुका होगा तब आएगा, अक्यूट में नहीं आएगा, अगर अक्यूट में आया तो फिर उसको बहुत फेथ है आपके ऊपर, दो कैटेगरीज हो गई, तो दोनों को अलग अलग, अगर अक्यूट में है तो अक्यूट जैसे लेगा, क्रॉनिक है तो क्रॉनिक जैसे लेगा, वी विल अंडरस्टैंड डिजीज फ्रॉम साइन एंड सिम्टम इन रिलेशन टू अ पर्सन और अ मैन, होम्योपैथी में जब आया तो हमने पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, डिजीज को अंडरस्टैंड करना है इन रिलेशन टू मैन, इस बीमारी का इस बंदे के साथ क्या संबंध, जब हमारे पास कोई लोग आके बोलते हैं कि सर मैंने यूरिन कल्चर कराया, ब्लड कल्चर कराया, तो मैं बोलता हूँ हमें क्या लेना देना उससे, ब्लड कल्चर इज नॉट रिक्वायरमेंट और यूरिन कल्चर इज नॉट अवर रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायरमेंट टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, राइट, हमें सिर्फ नॉर्मल यूरिन एग्जामिनेशन देखना है और उसमें भी फिजिकल एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिन का कलर कैसा है, सेडिमेंटेशन कैसी है, कलर चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, वाटरी है, थिन है, थिक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन है हमारा, जैसे शुरुआत की प्रॉब्लम, क्वेश्चन इज व्हाट इज योर डिस्कम्फर्ट कंप्लेन और प्रॉब्लम, हमारी पेशेंट में एंट्री कैसे होगी, घर में किसी को बुखार है तो डॉक्टर ने बोल दिया मलेरिया है, फलाना है, ढकाना है, लेकिन होम्योपैथ के लिए नहीं है ऐसा, हमारे लिए ये है, ये क्वेश्चन सबके लिए है, सब अक्यूट के लिए, क्रॉनिक के लिए, जब से आपको ये है तो तेरे को दिक्कत क्या है, अब बोलेगा पेशेंट, अब यूटीआई नहीं बोलेगा, अब पेशेंट बोलेगा, मेरे को ये है, मेरे को ये है, मेरे को ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड हैज अ फीवर, तो माँ आपके पास लेके आई किसको बुखार है, तो बुखार है तो आप माँ से पूछेंगे और बच्चे को ऑब्जर्व करें, जब से बुखार है तो क्या हुआ इसको, क्या होता उसमें, अभी माँ बोलेगी सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू चाइल्ड नॉट टू फीवर, राइट, साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू मैन, कैसे, पहले ठंड लगती है फिर बुखार होता है, एलोपैथ पूछेगा कैसे,
मैं डिफ्रेंशिएशन निकाल के दे रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है, आप विभिन्न हो उनसे, आपको वैसे नहीं करना जैसे वो कर रहे हैं। जब से फीवर है, अभी यूटीआई है, जब से फीवर है, फीवर में क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन है, जब से तकलीफ है, व्हाट इज योर डिस्कम्फर्ट, व्हाट इज योर कंप्लेंट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हेन यू क्वेश्चन लाइक दिस, अब मैन बोलेगा क्या बोलेगा, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, पसीना आता है, प्यास लगती है, लिप्स रेड हैं, फेस रेड हैं, बॉडी इरिटेबल है, बॉडी रेस्टलेस है, बॉडी एंग्जियस है, सोता नहीं है, ये कौन बोला, मैन बोला, किसके साथ रिलेटेड, फीवर के साथ रिलेटेड, समझे बात को, दिस इज द एक्सरसाइज यू हैव टू डन डू इन ईच एंड एवरी अक्यूट एज वेल एज इन क्रॉनिक केस, ये बंदे को इस बीमारी में क्या हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज आई एम रिप्रेजेंटिंग पर्सन एज ए होल, ये कैंट साहब के वर्ड है वैसे, ये मैंने अभी पढ़े कि व्हेन पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग यू कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए होल, आई मीन्स यू और मी, आई इज नॉट हिज डिजीज, राइट, समझे, आई मेरे को इस बीमारी से ये हो रहा है, बहुत ब्रीफ एक्सरसाइज है, ये लगता है सिंपल शब्द है, सिंपल तो है लेकिन एक्सरसाइज पे जब डालोगे तो इतने सिंपल नहीं है, तो जब आप करेंगे तो ऐसे पूछना कि जब से फीवर हुआ क्या, ये हुआ, जब से ये हुआ, जब आई जो आएगा कि मेरे को ये है, दैट विल रिप्रेजेंट हैविंग पेन इन माय लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग यूरिन, समटाइम यूरिन कम्स, समटाइम नॉट। अब बहन आगे आने लगा, हम यूटीआई की बात कर रहे हैं, आगे आ गया, माई यूरिन इज हॉट, माई यूरिन इज रेड कलर, माई यूरिन इज सेडिमेंटेड, कैसा सेडिमेंटेड, अभी होमपैथ क्वेश्चनरी है बहुत बड़ा, कैसा सेडिमेंट, अब आगे और बढ़ेंगे, वाइट है, रेड है, फलाना है, ढमकाना है, और आगे बढ़ गए, क्लियर करैक्टरिस्टिक सिम्टम इन रिलेशन टू मैन, अभी हम फिजिकल की बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी हम फिजिकल मैन के ऊपर हैं, राइट। नेक्स्ट, माय यूरिन इज हॉट, ये हो गया, आई हैड बर्निंग व्हेन फ्यू ड्रॉप्स लेफ्ट आफ्टर यूरिनेशन, आपकी सीधी दवाइयां पड़ी है, बर्निंग इन यूरिनरी पैसेज यूरिथ्रा व्हेन फ्यू ड्रॉप्स लेफ्ट इन द यूरिनरी पैसेज, किसको, यूरिथ्रा को, यूरिथ्रा किसका, मैन का, सिंपल, मैन, आई हैड फीवर विद माई हेडेक, when fever is there it is with chill and my eyes are lacrimating with the fever, my eyes are intoxicated, my eyes are stupefied, my eyes are not opening, all these symptoms are relating the disease to the man, and that man is getting individualized, our again one of the cardinal principle after basic similia similibus quantum.